So what's up everybody, my name is Anas Kali and this is my 4th vlog. So recently I visited Agra and how can I miss Agra Fort? So let's go! तो मैंने सोचा अगर आगरा फोर्ट जाना ही है तो क्यों ना राजा की तरह जाया जाए घोड़ा गाड़ी की सवारी करते हुए। और महाराजा की फील लेते हुए मैं पहुंचा आगरा फोर्ट। तो घोड़ा गाड़ी अंदर तो आ नहीं सकती थी तो इसलिए महाराजाओं की फील ना लेते हुए मैंने पैदल चलना ज्यादा सही समझा। अब पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, मैं राजा से कम नहीं लग रहा हूँ। तो पब्लिक ने राजा को इतना भाव तो दिया नहीं तो इसलिए राजा आगे बढ़ते रहे। और चलते चलते मैं उस जगह पहुंचा जहां पे अगर दुश्मन अंदर आने की कोशिश भी करते तो उन्हें ऊपर से ही नीचे धकेल दिया जाता था। और इसके राइट में ही जाते हुए आपको मिलेगा जहांगीर महल। और जहांगीर भाई साहब इसमें ना देते, वाह। और ये जहांगीर का वो महल जहां पे वो रहा करता था। और एक सेकेंड यार, घोड़ा गाड़ी लेके आओ, आई एम टायर्ड मैन। चलो इनफ ऑफ घोड़ा गाड़ी, चलो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या है इस जगह में। ओहो ये है क्या, आलीशान कारीगरी। और बाय द वे ये जगह कौन सी, मुझे भी नहीं पता, अगर आपको पता हो तो बताना मुझे। और ये था रोशन आरा, और जैसे नाम से ही पता लग रहा है काफी रोशन है ये जगह। और ये है सो कॉल्ड सम्मनपुर, और यही वो जगह है जहाँ पे शाहजहां ने अपने आखिरी दिन बिताए थे। वैसे क्या हसीन दिन हुए होंगे वो। और चलते चलते हम पहुंच गए दीवाने खास, जहाँ पे वो दीवाना अपने खास लोगों से मिलता था। और ये है द ग्रेट रूलर का काला पत्थर के बिल्कुल सामने सफेद पत्थर। और जहां मैं चल रहा हूँ उसी के नीचे लगता था मीना बाजार, वही बाजार जहाँ पे मीना अक्सर चीजें खरीदने जाया करती थी। और आजकल कहाँ है वो मीना और वो बाजार किसी को पता नहीं। और चलते चलते हम पहुंच गए नगीना मस्जिद, और मैं आपको बताना चाहूंगा नगीना एक शहर भी है। और उसके नीचे उतरते ही आपको दिख जाएगा दीवाने आम, जहाँ पे द ग्रेट रूलर हम जैसे आम लोगों से मिला करते थे। ओह सॉरी, मुझसे और मीना जैसे खास लोगों से तो वो ऊपर दीवाने खास में ही मिलते थे। और पूरा महल एक्सप्लोर करते ही मैं लौट चला अपने घर की ओर। जाना था घर, आ गए पब, क्या करें बताएं। वैसे मैं सोच ही रहा था कहाँ शाहजहां और अकबर की वो लाइफ, और कहाँ ये मॉडर्न जमाना, अलग ही राहें हैं सारी, जाना किधर है पता। और बैठे ही बैठे राजा ने मन बना लिया कि कल ताजमहल ही जाएंगे। बाय।